अनिल ओझा के परिजनों ने कराहल पुलिस पत्रकारों गणमान्य नागरिकों का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया सम्मान। परिजन बोले कि सभी के सहयोग ने दिलाई सफलता। खबर कराहल से है। अनिल के सकुशल घर वापस आ जाने की खुशी में परिजनों ने आज शुक्रवार को कराहल थाने पहुंचकर सभी के सहयोग का आभार व्यक्त करने के लिए थाने में एक सम्मान सभा रखी, जिसमें अनिल के पिता ब्रह्मानंद ओझा ने पुलिस स्टाफ, पत्रकारों, व्यापारियों और सभी नगरवासियों का संकट की इस घड़ी में अपार सहयोग देने के लिए हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित किया। सभी को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सभी ने सहयोग से प्राप्त इस खुशी का किया। इस मौके पर उपस्थित सभी नागरिकों में बड़ा ही खुशी का माहौल था कि चाहे अनिल किसी भी वजह से घर छोड़कर गया था, मगर अब सकुशल घर लौट आया है। परिवार जनों की चिंताएं समाप्त हो गई है। देखिए संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बेटे गुम हो जाने में लाने में पुलिस प्रशासन, ग्रामवासी एवं पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत सहयोग रहा एवं जिला प्रशासन द्वारा बहुत सहयोग प्रदान किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ हृदय से। आभार 15 जुलाई को जो मेरे भाई लापता हो गए थे, उनको वापस लाने में जो है समस्त ग्रामवासियों का, जिला प्रशासन का, हमारे ATI साहब का, पुलिस प्रशासन का एवं पत्रकार बंधुओं का, ग्रामीण वासियों का हम जो है दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। पुलिस ने जो है जी जान लगा के हमारी मदद की और जो है जैसा कि उन्होंने कहा था जो है सकुशल जो है हमारे जो है उनको भाई जो है उन्होंने लाके हमको दिए। व्यापारियों ने बाजार बंद के लिए आपका समर्थन दिया था, क्या कहते हो? जी बिल्कुल, सबका व्यापारी वर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त ग्रामीण वासियों का, पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का, पत्रकार बंधुओं का, सबका जो है सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं। आप समस्त स्टाफ, इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव के प्रबुद्ध नागरिक श्री पाठक जी, आदरणीय पाठक जी, पत्रकार बंधु, समस्त ग्रामीण जन, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे गांव से ब्रह्मानंद जी ओझा के सुपुत्र अनिल ओझा गायब हो गए थे किन्हीं कारणों से। ये 10 दिन का घटनाक्रम पूरा रहा। पूरे घटनाक्रम में और इससे पहले के कराहल के घटित घटनाक्रमों में जो पुलिसिंग थी या जो पुलिसिंग आज तक देखी गई हमारे द्वारा, हमारे मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय से, जो अनुभव रहे सदैव कड़वे रहे, ज़्यादातर अनुभव सुखद नहीं रहे। पहली बार और बहुत दिनों के बाद, शायद मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा सुखद दिन आया है कि आज जो ग्रामीण पुलिस के नाम पे कुछ अपनी धारणाएं दूसरी तरीके की रखते थे, आज वही ग्रामीण, वही परिवारजन पुलिस का सम्मान करने को आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं TI साहब का, पूरे पुलिस प्रशासन का, पुलिस परिवार का बहुत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ।